Right. Next heading, conversion of galvanometer into voltmeter. Conversion of galvanometer into voltmeter. तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे चेंज करते हैं, ये चीज हमको पढ़ना, ठीक है। तो देखिए, वोल्टमीटर इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, ठीक है। अच्छा, इट इज कनेक्टेड इन पाइवे टू द पॉइंट्स अक्रॉस विच दे हैव टू मेजर वोल्टेज। जिस पॉइंट के क्रॉस को वोल्टेज करना होता है, ठीक है, जिस अप्लायंस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है, उसके हम क्या करते हैं, पैरेलल जोड़ते हैं। क्या करते हैं, पैरेलल जोड़ते हैं ना। जब पैरेलल जोड़ेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो मानते हैं कि लोड रेजिस्टेंस आर एल में हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। लोड रेजिस्टेंस आर एल में हमको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस आर एल मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर कनेक्ट गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल ऑफ आर एल, इसके पैरेलल में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर गैल्वेनोमीटर को बिना किसी मॉडिफिकेशन के, बिना किसी चेंज के ऐसे जोड़ दिया जाए तो क्या होगा बताइए। गैल्वेनोमीटर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, सीधे इसको क्या करते हैं, पैरेलल के लिए लोड रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो इसे क्या क्या होगा, ये एक्चुअल वैल्यू मेजर करेगा, नहीं मेजर करेगा, इसी पहले पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ करंट डायरेक्ट चलती है, तो इस करंट डायरेक्ट को दो पार्ट मिलेगा, एक इधर ना, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम रहेगा, क्योंकि इट इज मेड ऑफ कॉपर। इसकी कॉइल किसके बनी होती है, कॉपर की, कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ना, इसलिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, ठीक है। और ये जो लोड रेजिस्टेंस है, जैसे हीटर वायर है या कोई अप्लायंस है, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा ना, 1000 ओम 1500 ओम, हाँ इस टाइप से होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो करंट इस पॉइंट पर करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और करंट ऑलवेज फॉलो पाथ ऑफ लोएस्ट रेजिस्टेंस। करंट किसी पॉइंट पर जब डिस्ट्रीब्यूट होती है तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस बैठती है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज़्यादा जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें कम जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो रिजल्ट क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द करंट गैल्वेनोमीटर से पास हो जाएगी ना, मोस्ट ऑफ द करंट क्या होगी बताओ, गैल्वेनोमीटर से चली जाएगी, हाँ मैंने बिग और स्मॉल अमाउंट में क्या होगा, करंट इससे लोड रेजिस्टेंस में चला जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम करंट क्या होगी, गैल्वेनोमीटर से पास हो जाएगी, हाँ। तो रिजल्ट क्या होगा बताओ, जब से बहुत कम लोड रेजिस्टेंस में कम करंट रहेगी तो लोड रेजिस्टेंस और वोल्टेज भी कम गिरेगा, क्योंकि करंट इंटू लोड रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज एक लोड रेजिस्टेंस होगा। जब लोड रेजिस्टेंस में करंट ही कम जा रही है तो वोल्टेज ही कम गिरेगा ना, ठीक है। ये क्या करें, गैल्वेनोमीटर कम रीडिंग पड़ेगा ना, ठीक है। तो हमें क्या करना बताइए कि जो करंट हमारे गैल्वेनोमीटर में आ रही है वो लोड रेजिस्टेंस में भेजना है, वो तो कहाँ भेजना है, लोड रेजिस्टेंस में। गैल्वेनोमीटर में जो करंट इधर चली जा रही है, इसको इधर ना आकर के हम क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस में भेजेंगे, हाँ। जब लोड रेजिस्टेंस में भेजेंगे तो लोड रेजिस्टेंस में फुल वोल्टेज गिरेगी और फुल मेजरमेंट पाएंगे ना, ठीक है। तो आप गैल्वेनोमीटर की जो करंट, जो गैल्वेनोमीटर करंट पा रही है, इसको लोड रेजिस्टेंस भेजना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर करंट क्यों आ रही है, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस कम है। गैल्वेनोमीटर आर में करंट ज़्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस कम है। तो अगर हम इधर का रेजिस्टेंस बढ़ा दें गैल्वेनोमीटर आर का, तो क्या होगा बताइए, करंट इधर बढ़ जाएगी, क्योंकि करंट उधर भागेगी जिधर रेजिस्टेंस कम होगा ना। अगर हम गैल्वेनोमीटर आर्म का रेजिस्टेंस इससे भी ज़्यादा कर दें, लोड रेजिस्टेंस से ज़्यादा कर दें, तो करंट क्या होगी, लोड की ओर भागेगी, इधर नहीं आएगी ना, हाँ। तो जब लोड में भागेगी तो लोड में फुल वोल्टेज गिरेगा, जब फुल वोल्टेज गिरेगा तो फुल वोल्टेज मेजर करेगा ना, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर आर्म का रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, गैल्वेनोमीटर जिस आर्म में जुड़ेगा उसका रेजिस्टेंस क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इसलिए क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर कॉइल के सीरीज में हम क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। गैल्वेनोमीटर कॉइल के सीरीज में क्या करेंगे, एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। जब हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस जोड़ करके लोड रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कर देंगे, तो रिजल्ट क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर आर में बहुत कम करंट जाएगी, ज़्यादातर करंट जो है इसमें चली जाएगी, लोड में चली जाएगी। और आर की वैल्यू इस टाइप से एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर आर में केवल फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट चाहिए उतना है, और
क्रैश करें क्या हो, क्रैश करें क्या हो जाए, लोड में चले जाए, लोड में बह जाए, ठीक है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट होती है वो मिली एम्पियर माइक्रो कैपेसिटर होती है, तो इस आर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे और रिजल्ट क्या होगा, इतना इस आर का गलमीटर आर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, इतना बढ़ा देंगे कि इधर जो करंट है केवल फुल स्केल के लिए जो जरूरत है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो जरूरत है वो केवल उतनी करंट है। रेजिस्टेंस कितने चले जाए, लोड रेजिस्टेंस में, तो जब रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा करंट इसमें फ्लो करेगी, इसमें बहुत ही कम करंट फ्लो करेगा ना, माइक्रोडर का करंट फ्लो करेगी, मिली एम्पीयर की करंट फ्लो करेगी, तो रिजल्ट क्या होगा कि ये आप गैनोमीटर क्या करेगा, फुल वोल्टेज मेजर करेगा, ए बी के ग्लास ड्रॉप होने के फुल वोल्टेज को मेजर करेगा ना। तो हमको क्या करना बने, टू चेंज गैनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर वी हैव टू कनेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज ऑफ इन सीरीज विद द कॉइल ऑफ गैनोमीटर ना, ठीक है, गैनोमीटर कॉइल के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ठीक है, और जिससे हमारा गैनोमीटर क्या हो जाएगा, वो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस हो जाएगी, और रिजल्ट ये होगा कि इस आर्क में करंट, इस डिवाइस में करंट बहुत कम आएगा, जिससे रिजल्ट ये होगा कि ये पॉइंट टू बी बिना वाले वोल्टेज को इफेक्टिव नहीं करेगा, है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ चेंज करते हैं इसमें, तो आपका वोल्टेज जैसे था वैसे रहेगा ना, अब हम जो है गैनोमीटर में थोड़ा चेंज कर देंगे, गैनोमीटर में चेंज क्या करने में, इसमें इसके कॉइल के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, ठीक है ना, और हाई रेजिस्टेंस कैसे जोड़ेंगे, इसकी वैल्यू इतना रखेंगे कि गैनोमीटर आर्क में आने वाली जो करंट है वो केवल फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट चाहिए उतनी है, और रेस करंट क्या होगा बताइए, रेस करंट जो है लोड रेजिस्टेंस में जाएगी, है, जिससे कि लोड रेजिस्टेंस की वोल्टेज पर इफेक्ट ना पड़े, है, बस ये अब डिवाइस जो बन गया आपका, अब ये क्या हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, क्या हो गया, वोल्ट मीटर, ठीक है। अब आर की वैल्यू कितना रखना है, इसके लिए क्वेश्चन डेवलप करेंगे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू क्या होगी, ए सी निकालेंगे, गैनोमीटर रेजिस्टेंस गैनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस कैपिटल डी मान लेते हैं, ठीक, जो डॉटेड पोर्शन से ये क्या कहलाएगा आपका, वोल्ट मीटर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू दिस सर्किट, ठीक है। तो चलिए इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर आपका हो गया वोल्ट मीटर, तो इस वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इस वोल्ट मीटर में क्या है, गैनोमीटर रेजिस्टेंस है और ए हाई रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड विद द व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉइल ऑफ गैनोमीटर ना, तो दोनों का रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे तो वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपका, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैनोमीटर कॉइल प्लस हाई रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन सीरीज विद द कॉइल ऑफ गैनोमीटर टू चेंज गैनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ठीक है। अब चलिए आर की वैल्यू कितना होगा, इसके लिए क्वेश्चन डेवलप करेंगे, तो लेट वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए बी, ए बी के बीच जो वोल्टेज है कुछ इज टू बी मेजर, जिसको कि मेजर करना है वो कैपिटल बी है, फिर एंड करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन गैनोमीटर इज आईडी, अगर गैनोमीटर में आईडी करंट बहती है तो गैनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मतलब वोल्टेज एक्रॉस लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज एक्रॉस गैनोमीटर आर, वोल्टेज एक्रॉस गैनोमीटर आर, है ना, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होती है, इसलिए वोल्टेज एक्रॉस ए बी, वोल्टेज एक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, वोल्टेज एक्रॉस ए बी ए एम बी इक्वल टू वोल्टेज एक्रॉस गैनोमीटर आर, वोल्टेज एक्रॉस वोल्ट मीटर, ठीक है ना, तो बी छोड़ कितना हो जाएगा, वोल्टेज एक्रॉस वोल्ट मीटर क्या होगा, आई जी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर ना, ठीक है, करंट पाथ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फ्लोइंग इन वोल्ट मीटर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, तो बी छोड़ क्या हो जाएगा, आई जी
और आर प्लस जी है ना, यहाँ से बी अपॉन आई जी इसको क्या हो जाएगा, आर प्लस जी हो जाएगा, तो आर इसको क्या हो जाएगा, बी अपॉन आई जी माइनस जी, ठीक है ना। तो टू चेंज गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर टू मेजर वोल्टेज ऑफ इस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी बोर्ड, बी कनेक्ट ए रेजिस्टेंस आर गिवन बाय इक्वेशन बी बाय आई जी माइनस जी इन सीरीज ऑफ इन कॉइल ऑफ गैलोमीटर, है ना, ठीक है। तो गैलोमीटर कॉइल के सीरीज में आपको कितने रेजिस्टेंस का कितने रेजिस्टेंस कितना रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, बी अपॉन आई जी माइनस जी के बराबर जोड़ना पड़ेगा टू मेजर वोल्टेज बी, बी वोल्टेज को मेजर करने के लिए बी अपॉन आई जी माइनस जी ओम का रेजिस्टेंस इन सीरीज ऑफ गैलोमीटर कॉइल जोड़ना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए टू चेंज गैलोमीटर इंटू एमीटर, चेंज गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर, गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर, चेंज गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर इसमें क्या करना है बताइए, टू चेंज गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर बी कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेट दैट मोस्ट ऑफ द करंट फ्लो इन द लोड रेजिस्टेंस एंड ए वेरी स्मॉल करंट
व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर आर्म, है ना। ठीक है, चलिए पॉइंट और में देख लीजिए। और वैल्यू ऑफ बार्स मस्ट बी सेटेड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आर मस्ट बी सेटेड मस्ट बी सेटेड स्मॉल करेंट और वेरी स्मॉल करेंट और वेरी करेंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन फुल स्केल डिफ्लेक्शन फुल स्केल डिफ्लेक्शन फ्लो फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर है फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर थ्रू द गैल्वेनोमीटर थ्रू द गैल्वेनोमीटर है। ये चैप्टर अपन फिनिश है, इसमें दो ही पॉइंट है।